के लिए। तो दोनों का रिश्ता ऐसा है कि दोनों को एक दूसरे से सुकून मिलना चाहिए, और उसका वाहिद तरीका यह है कि गुस्से के वक्त में तय कर लें, ये बाकायदा मुआहदा कर लें। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, जवान लोग हैं, उनको मैं खास तौर से मशवरा दे रहा हूं कि पहली मुलाकात में अहद कर लें, बाकायदा ये तय कर लें कि भाई दो बातें याद रखियो, बहुत काम आएंगी सारी उम्र। एक तो ये तय कर लेना कि गुस्से में हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, अगर तुम्हें गुस्सा आएगा तो मैं खामोश हो जाऊंगा, मुझे गुस्सा आएगा तो तुम्हें खामोश रहना है। आमतौर से एक को आता है गुस्सा, जवाब दूसरा देता है तो बढ़ जा, उसका भी गुस्सा बढ़ जाता है। तो जी जाहिर है उनके लिए तो पहले है, जो जो शादीशुदा हैं उनको अब आ जाना चाहिए औकात पे, अगर अब तक नहीं है। क्या ख्याल है भाई, अगर अब तक गलती हो रही है तो अब आ जाए, नीचे उतर आए, वापस आ जाए, मचान पे से नीचे आ जाए। खामखा यानी शौहर बनकर ये समझा है कि डांटने डपटने का, गुस्सा करने का एक हक बन गया हमारा, गलत बात है। आप भी इंसान है, वो भी इंसान है, बहैसियत इंसान के दोनों के हक बराबर हैं। जिन मामलात में अकल की जरूरत है वहां आप नंबर एक पर है, वो नंबर दो पर है बीवी, लेकिन गुस्से के मामलात में तो आप नंबर दो पे है, वो नंबर एक पे है, इसलिए कि वो कमजोर है। जरा समझिएगा इस बात को, अल्लाह ताला ने शौहर को जिम्मेदार बनाया, अर रिजाल कवामुन अला निसा, तो कहे के लिए जिम्मेदार, वो मामलात को हल करने के लिए। तो अकल के मामलात में आप ऊपर हैं, और आप क्या करते हैं, बेअकली के मामलात में ऊपर होना चाहते हैं। यही हो रहा है जी, बेअकली के मामले में यानी गुस्से के मामले में, तो जाहिर है तो गलत होगा, नतीजा गलत निकलेगा। तो एक तो ये मुआहदा करना है कि भाई गुस्सा मुझे आएगा तो तुम्हें नहीं बोलना, तुम्हें आए तो मुझे नहीं बोलना। और एक मुआहदा और कर लीजो, सारी उम्र काम आएगा, कि अगर तुम्हें मुझसे शिकायत हो, बीवी से बात करना, मुझसे शिकायत हो तो अपने घर वालों से मत कहना, मुझसे कहना, और मुझे तुमसे शिकायत होगी तो मैं अपने घर वालों से नहीं कहूंगा, तुमसे कहूंगा। मजे आ जाएंगे, जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। बिगाड़ वहां होता है जहां औरत अपनी मां से जाकर कहती है, और बेटा शौहर जो है अपनी मां से कहता है, और माएं तो माशाल्लाह शादी के दिन से हथियार तेज करके रखती हैं, जब भी मौका आता है तो फिर उनकी लड़ाई समधनों की आप देख लें। और उसके बाद उनको यह अकल नहीं रहती कि बेटी का घर आबाद होगा या बर्बाद होगा, या बेटे का सुकून बाकी रहेगा या गारत होगा। बेटे की जो माँ है वो बहू को दबाने की पूरी कोशिश करेगी, चाहे बेटे को तकलीफ हो जाए, और बेटी की जो माँ है वो अपनी बेटी को चढ़ाने की कोशिश करेगी, चाहे उसका घर बर्बाद हो जाए। और तो नहीं, ये कर रखा है, ये जिस जिस ओहदे का नाम सास है वो बहुत ही खतरनाक ओहदा है। तो उसको काबू में रखने का यही एक रास्ता है कि हर एक अपने वाले अपने हिस्से की जो माँ है उस पर काबू रखे। शौहर अपनी मां से ना कहे शिकायत बीवी की, खुद करे बात, तुम्हारे अंदर ये बात है इसको ठीक करो, भाई आपस में मामला ठीक करो। और बीवी अपनी मां से जाकर ना कहे, अल्हम्दुलिल्लाह, वो शौहर से कहे, शिकायत करे। आप इसका तजर्बा करके देखिएगा, आगे की बात कहनी नहीं चाहिए मगर फायदे के लिए कह दूं, अल्लाह जाने मुझे किसी ने बताई थी ये बात या अल्लाह ने दिल में डाली थी, मैंने ये काम किया था, ये मुआहदा किया था, बिल्कुल यही तय किया था कि भाई कोई शिकायत होगी तो उसको इधर उधर नहीं कहेंगे, तुम मेरे मुतालिकीन से या मैं तुम्हारे मुतालिकीन से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआ के साथ है कि हमारी इस दिवाजी जिंदगी में अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन ऐसा नहीं आया जब एक घंटे के लिए भी आपस में नाराजी रही हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ताकि लोगों को फायदा हो। मिजाज में इख्तलाफ होता है, राय में इख्तलाफ होता है, गुस्सा भी आता है, तेज गुफ्तगु भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उसका असर एक घंटे भी रहा हो ये बिल्कुल याद नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिंदगी को आप बना सकते हैं खुशगवार।
ऐसा नहीं कोई हम बड़े मिसाली इंसान हैं, बल्कि जरा सा काबू करने की बात है बस, और कुछ भी नहीं है। यहां मेरे बहुत से रिश्तेदार भी बैठे हैं, इसलिए मेरा, मैं अगर झूठ बोलूंगा तो झूठ नहीं चलेगा मेरा। करीबी रिश्तेदार कई एक बैठे हैं, सबको पता है घर के हालात का। तो घर के मामलात में असल में बात क्या है कि लोग परेशान हैं, घरेलू मामलात से आमतौर से परेशान। कभी कभी होता है ऐसा भी कि एक फरीक का मिजाज वाकई खराब होता है बहुत ज्यादा। मसलन बीवी के मिजाज में कभी कभी बहुत ज्यादा तेजी होती है, बड़े मुतालबों की आदत होती है, कुछ और होता है, जिद होती है। या कभी कभी शौहर के मिजाज में ज्यादा गुस्सा होता है या बुरी आदतें होती हैं, तो वो मसला एक होता है, उस मसले का फिर हल किया जाता है दूसरे तरीकों से। लेकिन जो आम आदमी है उसमें जो बात बढ़ती है वो गुस्से से बढ़ती है, वरना ठीक रहते हैं। उमूमी तौर पर जो इंसान हैं उनकी किस्में यही है कि वो आसानी के साथ निभा लेते हैं। तो अपने घरों की जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए जरूरी है कि एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने की आदत डालें